अंदाजे के मुताबिक रोजाना दो मिलियन से ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट पब्लिश होते हैं ऐसे ब्लॉग पोस्ट की बात कर रहा हूँ पेजेस की बात नहीं कर रहा जब आप पेजेस की बात करें वेबसाइट्स की बात करें ब्लॉग पोस्ट की बात करें तो कितने मिलियन पेजेस हैं जो रोजाना नए पब्लिश होते होंगे दुनिया भर में सो so, इन इस, इस सब कंटेंट में इस सब तेजी से बढ़ते हुए कंटेंट में सर्च इंजन्स की जॉब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है जिसमें उन्होंने रोज़ाना नए इन सब नए कॉन्टेंट को इंडेक्स भी करना है और रैंक भी करना है सवाल ये है कि क्या गूगल सिर्फ ऑन पेज फैक्टर्स जो अभी तक हम पढ़ रहे थे जिसमें हमने टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन या दूसरी कीवर्ड डेंसिटी या कीवर्ड रिसर्च ये सब सारी चीज़ें हमने जब पढ़ी क्या गूगल सिर्फ इन्हीं चीज़ों की बेस पे डिसाइड कर सकता है कि कौन नंबर वन है कौन नंबर टू है कौन नंबर थ्री है क्योंकि दिन ब दिन जब नई चीज़ आती है हो सकता है कि जो नंबर वन है वो अब नंबर वन ना रहे क्योंकि एक जो नया पब्लिश होने वाला आर्टिकल है वो वो ऊपर आ जाएगा सो बेसिकली गूगल जो है वो ये सब चीज़ें जो एक एक सर्टन पैरामीटर्स के अंदर रहकर नहीं कर सकता इसमें बहुत सारी चीज़ें गूगल कहता है कि जी आप ऑफ पेज करेंगे यानी कि आप दूसरी वेबसाइट के भी वो रैंकिंग सिग्नल ट्रैक करता है हमने जो भी अभी तक बात की थी वो थे सारे सारा कुछ जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कर सकते थे हम अपनी होस्टिंग चेंज कर सकते थे हम अपना कॉन्टेंट चेंज कर सकते थे या हम बाकी सारी चीज़ें ऐसी जो हम कर सकते थे हमारी वेबसाइट के ऊपर जो हमारी मलकियत है लेकिन लिंक बिल्डिंग ये एक और सेक्शन है ये अगर आपको शुरू में याद हो तो मैंने बताया था कि एस की तीन मेजर टाइप्स हैं जिसमें ऑन पेज ऑफ पेज और टेक्निकल एस की हमने बात की थी ऑन पेज हमने आलमोस्ट कर लिया हुआ है कवर अब यह अब ऑफ़ पेज की बात कर रहे हैं जिसको लिंक बिल्डिंग भी बोलते हैं सो लिंक बिल्डिंग में आपको मैं वो चीज़ें बताऊँगा जिसमें आपको ये समझ आएगी कि लिंक बिल्डिंग क्या होती है और इसको कै, कैसे कर सकते हैं और क्यों गूगल के लिए इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल ऐसी अभी हमने कुछ ऑलरेडी कर ली हुई है सो लिंक बिल्डिंग का मतलब क्या है लिंक बिल्डिंग का मतलब यह है कि आपको अपनी वेबसाइट से अपनी वेबसाइट पे बाकी वेबसाइट से लिंक्स लेने हैं इस लिंक्स को हाइपर लिंक्स ही बोलते हैं सो इन शॉर्ट आपको लोग लिंक करें यानी कि आपकी वेबसाइट का लिंक उनकी वेबसाइट पे पड़ा हुआ हो जब भी उनकी वेबसाइट पे आपका लिंक, लिंक लगेगा गूगल उनकी वेबसाइट क्रॉल करेगा वो देखेगा कि कितने लिंक्स जो हैं वो उस वेबसाइट से बाहर जा रहे हैं तो वो उनमें एक हमारा लिंक भी होगा तो गूगल देखेगा कि अच्छा उस वेबसाइट से उस्मान की वेबसाइट पर यानी कि आपकी वेबसाइट पर एक लिंक आ रहा है तो गूगल उसको फॉलो करेगा और हमें गूगल का बिहेवियर याद है कि गूगल लिंक टू लिंक जंप करता है जो हमने शुरू में बहुत शुरू में डिस्कस किया था कि गूगल एक्चुअली लिंक टू लिंक जंप करता है तो जब गूगल एक पेज पे जाता है उस पर सारे लिंक्स देखता है कि किस किस पेज पे जा रहे हैं वो हो सकता है कि उसकी अपनी वेबसाइट पर जा रहे हो हो सकता है किसी और की वेबसाइट पर जा रहे हो वो सारे लिंक्स को जब फॉलो करेगा और देखेगा कि जहाँ जहाँ पर लिंक्स जा रहे हैं वो उन सबको एक वैल्यू देगा सो बेसिकली लिंक बिल्डिंग इसी को बोलते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वेबसाइट पे बाकी लोगों से लिंक्स लेने हैं ठीक है अगर आपको समझना हो तो मैं आपको ये इस तरह से समझा सकता हूँ कि हर लिंक गूगल के लिए गूगल के लिए एक वोट के तौर पे काउंट होता है सो so, जैसे कि आपको पता है कि वोटिंग से लोग ऊपर आते हैं क्रेडिबिलिटी मेंटेन होती है जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है इसी तरह से हमारी वेबसाइट को जितने ज़्यादा लिंक्स मिलेंगे गूगल उसको उतने ज़्यादा वोट्स काउंट करेगा और वो जीत जाएंगे तो so, लिंक्स में दो तीन चीज़ें देखने वाली हैं एक तो क्वांटिटी है कि कितने वोट्स मिल रहे हैं या कितने लिंक्स मिल रहे हैं वो तो एक समझ आती है कि अगर एक बंदे को सौ लिंक्स मिले हैं या सौ वोट्स मिले हैं और दूसरी वेबसाइट को दो या पाँच लिंक्स मिले हैं या पाँच वोट्स आप समझ लें उसको तो दोनों में जारी बात है बेहतर वो पाँच वाला है जिसको ज़्यादा लोगों ने वोट किया या ज़्यादा वेबसाइट्स ने उसको लिंक किया लेकिन एक और चीज़ भी गूगल देखता है वो देखता है कि वोट करने वाला यानी कि लिंक देने वाला खुद कितना क्रेडिबल है यानी कि उसकी क्या वैल्यू अपनी है सो so, जैसे कि आप बड़े सर्कल देख सकते हैं कि जिसमें ये बड़े सर्कल का मतलब इनकी वैल्यू ज़्यादा है ये अच्छी ऐसी वेबसाइट है जिनकी अपनी अथॉरिटी बहुत ज़्यादा है और वो आपको लिंक कर रही हैं तो उसका मतलब ये कि उनकी क्रेडिबिलिटी ज़्यादा थी तो आपका उसका वोट का बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा और अगर बाकी छोटी जो सर्कल्स हैं इसका मतलब ये है कि ऐसी वेबसाइट जिनकी खुद वैल्यू बड़ी कम थी अगर आपको वो लिंक देंगे भी तो उसका इंपैक्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना एक हाई रैंकिंग या हाई अथॉरिटी वेबसाइट से आपको लिंक मिलने से होगा तो हमने जब लिंक बिल्डिंग की बात करनी है तो हमने जब लिंक्स की बात करनी है तो उस पर दो चीज़ें देखनी है ना सिर्फ हमने क्वांटिटी देखनी है कि कितनी क्वांटिटी में आ रहे हैं हमने उसको क्वालिटी भी देखनी है कि कितनी क्वालिटी के लिंक्स मिल रहे हैं तो इसकी एक और एग्जाम्पल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि अगर मुझे एप्पल की वेबसाइट लिंक कर रही है या गूगल मुझे खुद लिंक करता है तो गूगल की वेबसाइट की अथॉरिटी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और मेरी वेबसाइट की अथॉरिटी शायद उतनी ज़्यादा नहीं है गूगल जब मुझे लिंक करेगा और गूगल अपनी वेबसाइट क्रॉल करेगा और देखेगा कि यहाँ से वेबसाइट का लिंक उस्मान की वेबसाइट पर जा रहा है तो मुझे एक अथॉरिटी वैल्यू ट्रांसफ़र होगी जो कि गूगल गूगल की तरफ से मुझे एक वोट मिला और वो वोट की क्रेडिबिलिटी क्या है कि जितनी क्रेडिबिलिटी गूगल की खुद की है और अगर एक मैं थर्ड क्लास एक गंदी सी वेबसाइट एक बिल्कुल नई लॉन्च होने वाली वेबसाइट से मैं लिंक लूँगा उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है क्योंकि उसका गूगल अभी पहचानता भी नहीं है उसकी अपनी वैल्यू कोई नहीं है जबकि मुझे यहाँ एप्पल याहू या बड़ी बड़ी वेबसाइट से अगर लिंक्स मिल रहे हैं इनकी वैल्यू ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये कुछ सालों से ऑलरेडी बिजनेस में है सो इन शॉर्ट गूगल क्या करता है जब भी एक लिंक एक वेबसाइट से दूसरी वेबसाइट पर जाता है गूगल उस लिंक की वैल्यू ट्रांसफ़र करता है उस नई वेबसाइट को क्योंकि गूगल की नज़र में वेबसाइट ए वेबसाइट बी को एक वोट दे रही है वेबसाइट ए वेबसाइट बी को वोट तब देगी जब वेबसाइट बी ने इतना अच्छा काम किया होगा कि वेबसाइट ए उसको वोट दे यानी कि उसको मेंशन करे उसकी बात करे उसका जिक्र करे तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा काम ऐसे करने हैं कि हमें लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स दें ज़्यादा से ज़्यादा हमें लिंक करें उसके लिए हमें क्या करना होता है उसके लिए हमें कॉन्टेंट क्रिएट करना होता है और बाकी सारी चीज़ें मैं आपको आगे चल के यानी कुछ टॉपिक्स में बताऊँगा बस ये आपने याद रखना है कि जब भी गूगल किसी को वैल्यू ट्रांसफ़र करता है वो जीरो से ले कर टेन तक होती है और ये हमें नज़र नहीं आती एक ज़माना था जब हमें गूगल के ठूल बार पे एक ग्रीन कलर का बार नज़र आता था जिसमें हम ये देख सकते थे कि किस तरह से किस पेज का क्या पेज रैंक है लेकिन अब गूगल ये पेज रैंक यानी कि जो वो जो अथॉरिटी है गूगल की नज़र में वो दिखाता नहीं है सो हर पेज का एक रैंक है गूगल की नज़र में वो जीरो टू टेन वैल्यू बेसिकली उसकी अगेंस्ट अथॉरिटी मैयर होती है गूगल डिसाइड करता है कि इसका ज़ीरो से लेकर दस तक क्या दर्जा है हर पेज का ये दर्जा बना हुआ होता है बहुत सारे ज़ीरो पे या बिल्कुल ज़ीरो भी नहीं होते और अगर एक एप्पल की वेबसाइट का दस टेन आउट ऑफ टेन रेट है गूगल की तरह नज़र में वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटी वेबसाइट है वो मुझे लिंक करेगी तो मेरा रैंक उसके मुताबिक उसकी वजह से काफ़ी बढ़ जाएगा बजाय इसके कि मैं दस हज़ार लिंक्स लूँ उन वेबसाइट से जिनका ज़ीरो पेज रैंक है या गूगल की नज़र में उनका पेज रैंक ही नहीं है तो दोनों का अथॉरिटी में फ़र्क है तो लिंक बिल्डिंग में असल में सब हमने ये देखना है कि एक तो लिंक्स हमने बनवाने ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लिंक्स क्वालिटी वाले होने चाहिए तीसरा ये कि लिंक्स कहाँ कहाँ से हम कैसे कैसे कर सकते हैं ये सब चीज़ें हम आगे चल के डिस्कस करेंगे